लोकसभा चुनाव के चलते सभी दल अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कुंडाली संभाग में महायुति के प्रत्याशी राजू पारवे के प्रचार संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े की सभा आयोजित की गई थी, जहां हमारे संवाददाता ने राजू पारवे से बात की। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार राजू पारवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे सर, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो है आप यहाँ खड़े हुए, किन अपेक्षाओं को आप पूर्ण करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास एक मुद्दा लेके मैं आगे जा रहा हूँ। विकास, सर्वांगीण विकास हो, केंद्र शासन की जो जो योजना है वो यहाँ लाके सर्वांगीण विकास कैसा किया जा सकता है। हालांकि यहाँ के देश के पंत प्रधान सन्मान्य मोदी साहब के नेतृत्व में ये इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है गांव का जो वातावरण है, हर गांव में जो परिस्थितियाँ हैं वो एकदम लोग रस्ते पे उतर के आ रहे हैं और लोगों ने ठहरा लिया है कि इस बार मोदी साहब को पंतप्रधान बनाना है। इस बार कितने के लीड से जीत के आएंगे आप? 2 लाख। इस सभा के संबंध में राजू पारवे ने कुंडाली बाजार की जनता से प्रचार रथ के माध्यम से संपर्क साधा। साथ ही मौजूद महिला पदाधिकारियों ने उपस्थित महायुति नेता एवं प्रत्याशी का पंचारती के साथ स्वागत किया, जहां विशेष रूप से मौजूद आशीष देशमुख ने हमारे संवाददाता से बात की, जहां उन्होंने विश्वास जताया कि राजू पारवे लाखों की लीड से जीत के आएंगे। क्या बताना चाहेंगे इस बार महायुति से जो है आपने राजू पारवे जी को खड़ा किया है, किस प्रकार से प्रचार चल रहा है, क्या परिस्थिति? मोदी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के पक्ष में वातावरण बना। आज जो अनगिनत योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जन सामान्य के लिए मोदी जी ने चालू की है, उसके आधार पर हर गांव में राजू पारवे के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार कांग्रेस का है वो गुनेगारी पार्श्वभूमि उसकी भ्रष्टाचारी है, तो निश्चित तौर पे रामटेक की जनता ये शिवसेना के राजू पारवे को भारी तादाद से चुन के लाने के मनस्थिति में आज दिख रही है। आयात निर्यात के भी आरोप लगाए जा रहे हैं निरंतर विपक्ष की ओर से, क्या कहना चाहेंगे, कितने लीड से जो है राजू पारवे इस बार जीत के आएंगे? देखिए, पिछले बार जो लीड थी उतनी लीड तो निश्चित तौर पे हम बरकरार रखेंगे। अपेक्षा यही है कि उससे 25-40 हजार से ज्यादा लीड से 3 लाख के आसपास चुन के आएंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा लाखों के पार जो है लीड लेने की जो है अपेक्षा है महायुति के उम्मीदवार राजू पारवे ने, साथ ही साथ उनके जो है नेता, उनके प्रचारार्थ आए हुए नेता आशीष देशमुख, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सभी नेता जो खड़े हुए हैं कुंडाली क्षेत्र में, इस वक्त हम मौजूद है जहाँ की जो है कुंडाली की सभा के लिए सभी शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, साथ ही साथ जो है शिवसेना शिंदे गुट से प्रचार के संबंध में आयोजित इस सभा में बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता और स्थानिक मौजूद थे, जहां प्रचार रथ के माध्यम से हस्तांतोलन करते हुए प्रत्याशी राजू पारवे और शेष नेताओं ने संवाद प्रस्तापित किया। इस समय मौजूद पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुंडाली क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदेगढ़, साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित गुट एवं महायुति के जो है अधिकृत उम्मीदवार राजू पारवे के जो प्रचारार्थ जो है यहाँ जो है रैली निकाली गई है, जो कि जो है मार्केट में जाने वाले है। जिस प्रकार से जनता को अभिवादन करते हुए राजू पारवे अपने क्षेत्र से यहाँ निकल रहे हैं, जो देखना काफी रोचक रहेगा कि जो 2 लाख के लीड की बात हो चुकी है राजू पारवे ने जिस प्रकार से, तो ये 2 लाख की लीड बरकरार हो पाती है, 2 लाख की लीड से क्या वो जीत पाते हैं, काफी सस्पेंस भरे जो सवाल है, मतगणना के दिन ही जो है सस्पेंस जो है क्रिएट होंगे। साथ ही साथ क्या बताना चाहेंगे इस बार रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजू भाऊ पारवे को आपने मैदान में खड़ा किया, क्या बताना चाहेंगे, कितने लीड से जीत के आएंगे, किस प्रकार से प्रचार? मैं निश्चितपणे सांगेन, रामटेक हा शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचा गढ राहिलेला आहे। राजूभाऊ पारवे यांना निश्चितपणे 3.5 लाखापेक्षा जास्त मतदानांचा विजय होणार आहे। दर्शकों, लाख के ऊपर बात की जा रही है, क्या बताना चाहेंगे इस बार किस प्रकार से प्रचार चल रहा है, प्रचार के दौरान जो है जनता की प्रतिक्रिया है किस प्रकार से? विकसित भारताकरता नरेंद्र जी मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी शिवसेनेचे उमेदवार राजूजी पारवे यांना विजयी करण्यासाठी संपूर्ण मतदार जागृत आहे आणि
भारत विकसित झाला पाहिजे या नरेंद्र मोदी यांनी या योजना या 10 वर्षात राबवल्या, जे 60 वर्षात पूर्ण झाल्या नव्हत्या, जे कामं या 10 वर्षात त्यांनी पूर्ण केलेले आहे आणि त्यामुळे मतदार नरेंद्र मोदी यांच्या हात करण्यासाठी राजीव पारवे यांना मतदान करणार आहे. कुछ महिला पदाधिकारी भी उपस्थित है. आप जो जिस प्रकार से रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजीव पारवे जी के समर्थन में आप यहाँ आई है, क्या बताना चाहेंगी महिलाओं के लिए किस प्रकार का विकास मोदी सरकार ने किया है और इस बार जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस प्रकार से आप प्रचार चल रहे हैं? मी सर्वप्रथम माझा नमस्कार, कारण की आमच्या मोदी साहेबांनी महिलांसाठी अनेक प्रकारचा विकास केलेला, त्यांनी महिलांसाठी बचत गटांना त्यांनी मोठा प्रोत्साहन दिलं, बचत गटांच्या यायला त्यांचं मानधन वाढवलं आणि मोदी साहेबांनी अनेक अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी विविध प्रकारचे असे उपक्रम आणून दिलेले आहे. मोदी साहेबांचं खरोखरच मनपूर्वक आम्ही आभार मानतो की मोदी साहेबांनी अशा योजना दिलेल्या आहेत शेतकऱ्यांपासून तर महिला भगिनींपर्यंत. म्हणून आम्ही सगळ्यांचं मत आमचं राजू पारवे साहेबांनाच आहे आणि राजू साहेबांना मत मिळालं की आमच्या मोदी साहेबांचे हात नक्कीच बळकट होईल. मी एवढं दोन शब्द बोलतो, धन्यवाद. काय बताना चाहेंगे, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है, किस प्रकार की परिस्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा करान में होने के बाद पूरा रामटेक क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी की लहर दौड़ रही है. माननीय राजू भाऊ पारवे बहुत प्रचंड बहुमत से विजय होने वाले हैं. सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाई सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और माननीय मोदी जी को अब के बार 400 पार का नारा जो दिया है वो यहाँ से पूरा होगा. दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बड़े विश्वास के साथ जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता पर जो है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट, आरपीआई, महायुति के जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों के साथ जो है जो बड़ा विश्वास यहाँ जताया जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे इस बार रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजू पारवे को आपने खड़ा किया? क्या राजू भाऊ पारवे जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के जो लोकसभा में खड़े हुए है, ये जो है एक अच्छा उम्मीदवार मिला भाजपा और हम जो है मुस्लिम समाज, हमने ये सोचा है कि हम मोदी जी को समर्थन देना चाहिए. आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये आदरणीय जो है ये सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेना चाहते हैं. गडकरी जैसे जी हमको नेता मिले, काटोल के विधानसभा के जो है हमारे चरण सिंह जी ठाकुर साहब, वो भी यहाँ पर काटोल विधानसभा में एक नंबर का विकास पुरुष है, विकास कर रहे हैं. गौरतलब है कि इस सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर पावनकुए ने शिरकत की, जहाँ सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एवं महायुति के दुपट्टे पहनाकर उनका स्वागत किया गया. इस समय सभी पदाधिकारियों ने नारे लगाते हुए जय घोष भी किया. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट. दर्शकों, तो इस वक्त हम मौजूद थे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोंडाली शहर में, जहाँ की काफी सम्मिश्र प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई. कई जो है कांग्रेस तो कई जो है भारतीय जनता पार्टी, इसकी सम्मिश्र प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई. लेकिन ये देखना काफी रोचक रहेगा कि रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आखिर किसकी जीत कितने लीड से होती है. ये तो सस्पेंस काउंटिंग के दिन, मतगणना के दिन ही जो है आपके सामने आएगा. ऐसी जो है जानकारी के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज. कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टेम्बे, एनबीसी न्यूज, नागपुर.